हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूँ निफ्टी में जैसा कि देख सकते हैं कि मैं ऑप्शन चैन को ओपन ही किया हूँ तो मैंने अभी चार्ट को एनालिसिस किया है उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड को लेने वाला हूँ तो आप लोगों को सारा कुछ बताएंगे वीडियो में पूरी एंड तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आप जरूर देखें जाइएगा कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट हुआ मेरा एंट्री कैसा था ठीक है तो अभी मैं यहाँ पे एक सौ तीन पे जो अभी चल रहा है उन्नीस से तीन सौ का स्ट्राइक प्राइस पे और मैं उसी को अभी बाई करने वाला हूँ यानी कॉल में बाई करूँगा ठीक है तो अभी एक सौ भाव चल रहा है तो मैं यहाँ पे बाई पे क्लिक करता हूँ और मैं एक लॉट से आप लोग को ट्रेडिंग करके दिखाऊँगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक लॉट से मतलब प्रॉफिट नहीं बनता है तो यहाँ पर एक लॉट में डाल देता हूँ और मैं मार्केट पे सेलेक्ट कर दिया लेकिन इसको मैं लिमिट करके एक सौ दो रुपये पर मैं इसको बाई करने वाला हूँ ठीक है क्योंकि अभी जो मार्केट है अभी थोड़ा सा कम नीचे अप डाउन कर रहा है तो मैं यहाँ पर लिमिट में क्लिक करके एक सौ दो रुपये करता हूँ इसको चलिए यहाँ पर एक सौ दो रुपये हो गए और यहाँ पे मैं बाई पे क्लिक करता हूँ इक्यावन सौ रुपये मेरा लग रहा है ठीक है एक लॉट को बाई करने में और इसमें एक लॉट में पचास मतलब होते हैं क्वान्टिटी तो अब मैं क्या करूंगा इस पर सिंपल सा बाय पे क्लिक कर दूंगा अब जैसे मैं बाय पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो ऑर्डर है पेंडिंग में रह जाएगा और जैसे एक सौ से भाव घट के एक सौ दो आएगा तो यहाँ पर मेरा जो ऑर्डर है एग्जीक्यूट हो जाएगा ठीक है तो अभी मैं कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ और कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ऑर्डर प्लेसड बट पेंडिंग दिखा रहा है ठीक है अब क्या करना है मुझे अपनी ऑर्डर में जाकर देखना है तो देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी पेंडिंग में दिखा रहा है क्योंकि अभी जो मतलब प्राइस चल रहा है एक सौ दो रुपये अस्सी पैसे पंचानवे पैसे तीन रुपये इस तरीके से घट घट बढ़ रहा है मतलब एक सौ दो रुपये पर जैसे आएगा मेरा यहाँ से ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा लेकिन फ्रेंड्स तब तक मैं आप लोग को बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगती है इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना तो दोस्तों यहाँ पे अभी थोड़ा सा हम लोग को वेट करना पड़ेगा जैसे यहाँ पे एक सौ दो रुपये पे भाव आता है ऑटोमेटिक यहाँ से मेरा और जो ऑर्डर है एग्जीक्यूट हो जाएगा ठीक है तो अभी हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं और अभी देख सकते हैं कि इसका भाव बढ़ चुका है एक सौ चार रुपये तीस पैसे पैंतीस पैसे इस तरीके से है दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं जो एंट्री ले रहा हूँ काफ़ी अच्छा एंट्री है थोड़ा देर होल्ड करने के बाद इसके जो जो भाव है काफ़ी बढ़ जाएगी ठीक है तो यहाँ पे अब देखिए कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेरा है ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है और अभी मुझे स्टार्टिंग से अस्सी रुपये सौ रुपये एक सौ सत्ताईस रुपये एक सौ पैंतीस रुपये एक सौ बासठ रुपये ये सब लॉस दिखा रहा है ठीक है दो सौ बीस तीन सौ तक लॉस चला गया है दो सौ मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 300 कितना मतलब मेरे से बोलते बोलते इसकी प्राइस अप डाउन होती जा रही है अभी जो है लॉस में दिखा रहा है आप देख सकते हैं कि माइनस करके दिखा रहा है लेकिन दोस्तों आप लोग को यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है अगर आपकी एंट्री सही होगी तो आपको प्रॉफिट जरूर होता है ठीक है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इधर उधर तो होता रहता है लेकिन मैंने जो यहाँ पे चार्ट को एनालिसिस किया है बहुत अच्छे से किया है एंड में जाकर मुझे बहुत अच्छी खासी यहाँ पर प्रॉफिट होने वाली है सो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो दोस्तों अभी देख सकते हैं कि एक सौ पचासी बिरासी दो सौ पंद्रह ये सब माइनस में दिखा रहा है थोड़ा तो दिन हम यहाँ से पॉज करते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ अभी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि बावन रुपये चालीस रुपये सैंतीस रुपये बाईस रुपये ये मेरे प्रॉफिट में आ चुके हैं ठीक है, है? अब यहाँ से धीरे धीरे करके मेरा प्रॉफिट बढ़ने वाला है इसकी जो भाव है अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी मैंने कॉल साइड में लिया है तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगी ठीक है तो अभी जो है मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगा है और अभी देख सकते हैं कि अभी प्रॉफिट दिखा रहा था फिर यहाँ पे लॉस दिखाने लगा माइनस साठ रुपये माइनस पचास रुपये इस तरीके से मुझे अभी यहाँ पे लॉस दिखा रहा है तो दोस्तों क्या होता है कि कुछ लोग यहाँ पे मतलब जल्दीबाजी में अपनी फिर से ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं उसको फिर से यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं मतलब उन लोग को थोड़ा सा वेट करना नहीं होता है पेशेंस नहीं होता है ठीक है तो आप लोगों को ऐसे नहीं करना है अगर आपकी एंट्री सही होगी तो प्रॉफिट होगी देखिए यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि दो सौ सत्तर रुपये इस तरीके से मुझे अब प्रॉफिट में आ गया प्लस में आ गया और मुझे पता है कि मैं जो एंट्री बनाया हूँ काफ़ी अच्छी जगह पर एंट्री बनाया हूँ मैं अभी आप लोग को लाइव मतलब लास्ट में दिखा भी दूंगा ठीक है अभी मुझे थोड़ा सा काम है मैं वीडियो को तो पॉज करूँगा लेकिन लास्ट में आपको दिखा दूंगा कि मैं जो उन्नीस हजार तीन सौ का कॉल जो मैं बाय किया था एक सौ दो रुपये पे लास्ट में उसका कितना प्राइस बढ़ा था ठीक है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना लास्ट तक देखना और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना तो अभी देख सकते हैं कि तीन सौ प्लस मेरा प्रॉफिट चला गया था आ, लेकिन फिर से यहाँ पे कम हो गया दो सौ ढाई सौ अभी चल रहा है लेकिन ये मुझे प्रॉफिट देगा और दोस्तों मैं बता दूं कि मैं एक लॉट से ट्रेडिंग किया हूँ सिर्फ और सिर्फ मुझे पाँच सौ रुपये यहाँ पे लगे हैं तो दोस्तों मैं फिर से मैं आप लोग को आगे कंटिन्यू वीडियो करके दिखाता हूँ मुझे एक काम है थोड़ा सा तो मुझे कुछ काम था तो इसलिए मैं अपनी ऑर्डर को वहाँ से कैंसिल करके निकल गया था तो मैं अब आप लोग को दिखा रहा हूँ छः बज के अकाउंट में खोल रहे हैं शाम के मार्केट क्लोज हो चुका है लेकिन मैं अब आप लोग को दिखा रहा हूँ कि मैं जहाँ पे एंट्री लिया था वहाँ से कितना पॉइंट बढ़ा है और मेरा पैसा कितना अभी तक बढ़ गया होता अगर मैं लास्ट में उसको एग्जिट करता तो तो मैं एंजल वन को ओपन करता हूँ और अगर आपने अभी तक एंजल वन में डिमेट अकाउंट नहीं खोला है तो इसका फ्री लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखा है कि किस तरीके से आप लोग एनजन वन में फ्री में डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं तो आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं और आसानी से अपने डीमेट अकाउंट फ्री में खोल सकते हैं तो दोस्तों अभी मैं निफ्टी को ओपन कर लेता हूँ तो निफ्टी को ओपन करने के बाद दोस्तों सबसे पहले मैं ऑप्शन चैन में जाता हूँ ठीक है और उन्नीस हजार तीन सौ पे मैं कॉल साइड लिया था देख सकते हो यहाँ पे उन्नीस हज़ार तीन सौ और अभी इसका प्राइस देख सकते हो कितना मतलब लास्ट गया था एक सौ चालीस रुपये तक और मैंने एक सौ दो रुपये पे लिया था मतलब अड़तीस रुपये मेरा यहाँ पे भाव बढ़ा था लेकिन दोस्तों क्या हुआ था कि लास्ट में मार्केट थोड़ा नीचे आने लगा था और मुझे ज़रूरी काम थी तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर लिया था दो सौ बारह रुपये प्रॉफिट लेकर जो कि आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है दो सौ बारह रुपये ठीक है मैं यहाँ पे अगर इसको वेट करता होल्ड करता तो एक सौ चालीस रुपये तक मेरा यहाँ पे भाव गया था दोस्तों एक सौ चालीस रुपये भाव गया था तो इस पर आपको कितने प्रॉफिट होते वो भी मैं आप लोग को दिखाई देता हूँ तो दोस्तों इसके लिए मैं अपनी कैलकुलेटर ओपन करता हूँ ठीक है तो दोस्तों मैं क्या किया था यहाँ पर मैं एक सौ चालीस रुपये का भाव अभी दिखा रहा हूँ और एक लॉट में लिया था तो एक लॉट में कितने क्वान्टिटी होते हैं पचास तो मैं पचास देखो दोस्तों एक सौ चालीस रुपये भाव सॉरी यहाँ पे मैंने एक सौ दो रुपये पर लिया था तो मुझे अड़तीस रुपये मतलब प्रॉफिट होते लास्ट तक अगर मैं रुका होता तो तो मैं क्या करता हूँ अड़तीस और इन कर देता हूँ पचास मतलब पचास क्वांटिटी थी मतलब उन्नीस सौ रुपये मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होता है अगर मैं लास्ट तक होल्ड करता तो दोस्तों मुझे कुछ काम था इसलिए मैं इसको होल्ड नहीं कर पाया लेकिन आप लोग को अगर एंट्री अच्छी होगी ना दोस्तों तो आप लोग बहुत अच्छे खासे ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं यहाँ पर रिप्स रिक्स, रिक्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर सीखे रहोगे तो आपको यहाँ पे कोई भी डर नहीं लगेगा आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि मेरा कुछ लॉस हो रहा था कुछ प्रॉफिट हो रहा था तो इस तरीके से आपकी होती है तो दोस्तों अगर आप लोग भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए आने वाली वीडियो में मैं आप लोग को पूरा जीरो से सिखाऊंगा कि किस तरीके से चार्ट को एनालिसिस किया जाता है और आप लोग को कौन सी मतलब स्ट्राइक प्राइस पे आपको बाय करना चाहिए कब सेल करना चाहिए ये सारा कुछ हम आपको बताएंगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर